पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नई सरकार के गठन के पहली बार इस सरकार ने भी पिछली सरकार की तर्ज पर अब नियुक्ति पत्र बांटने शुरू कर दिए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि अब जो है सरकारों में, बिहार के सरकारों में खासकर रोजगार देने को लेकर होड़ सी मच गई है। रोजगार देने को लेकर आपने देखा कि पिछली सरकार में भी काफी किरकिरी हुई। रोजगार तो दिया था पिछली सरकार ने, जो महागठबंधन की सरकार थी, जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। और वही जो सरकार थी, नीतीश कुमार उसके मुखिया थे, लगातार वो लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, बड़े बड़े दावे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने, आपने देखा कि सदन में भी उन्होंने किस प्रकार कहा कि हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने, लोगों को रोजगार दिया बिहार में। अब होड़ जो है वो मस्ती नजर आ रही है। आप देखिए कि आज हम लोग संवाद भवन के पास हैं। आप देखिए यहाँ पर ठीक अंदर में ये संवाद भवन है और इसके अंदर में ही आज नियुक्ति पत्र वितरण जो कार्यक्रम है वो होना तय हुआ है। अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद हैं। हम आपको बताते चलें कि ये देखिए सामान्य प्रशासन विभाग, विमान विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाना है। बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों एवं विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक प्राध्यापकों तथा व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र जो है आज जो है वो देने का कार्यक्रम हो रहा है। तो देखिए, नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है अब लग रहा है कि बिहार में तेजी से जो है चलेगा, क्योंकि पिछली सरकार ने बड़ा दावा किया था कि नियुक्ति पत्र इतिहास रचा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तेजस्वी यादव ने। कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने की तैयारी अब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार की जो तिकड़म की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कही जा रही है। और बिहार में विकास करने के लिए, रोजगार देने के लिए, देखिए लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। आपने देखा कि बजट भी पेश किया सम्राट चौधरी ने, हालांकि वह बजट लोक लुभावना नहीं था, उसी वजह से उन सभी चीज़ों को विकास दिखाने के लिए और यह एक मैसेज देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है कहीं ना कहीं बिहार के आम गरीब लोगों के हित में काम कर रही है। और रोजगार की जो बात फैलाई जा रही थी राजद की तरफ से, तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से, उस पर भी जो है कटाक्ष करते हुए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने देखा कि कितना कटाक्ष किया। और अब नियुक्ति पत्र बांट कर साफ साफ ये बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार भी बिहार में रोजगार देगी, नियुक्ति पत्र बांटेगी और लगातार बिहार के हित में विकास के लिए काम करते रहेगी। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।